हैप्पी धनतेरस सभी दोस्तों को और आपको और आपके पूरे परिवार को धनतेरस की बहुत 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 शुभकामनाएं और माता लक्ष्मी और धन कुबेर आपके यहाँ धन वर्षा करे और आपके यहाँ समृद्धि बनी रहे ऐसी मैं मनोकामना करता हूँ। और चलिए अब निफ्टी के बारे में बताता हूँ। आज अगर निफ्टी अभी चल रही है 10,540 फ्यूचर में और 10,510 स्पॉट में, तो अगर लास्ट में निफ्टी 2 बजे बाद मुझे लग रहा है वापस तेजी आ जाएगी, तो लास्ट में अगर तेज बंद होता है तो उस समय जो ट्रेडर्स है स्पेशली ट्रेडर्स वो अपनी पोजिशन काट ले आज के दिन, क्योंकि कल आपको कोई ट्रेड करना ही नहीं है, चुपचाप बैठना है। और परसों के दिन जो दिवाली का मुहूर्त ट्रेडिंग होगी 1 घंटे की, उस समय जब लास्ट के 10 मिनट बचेंगे उस समय आप मारुति, टाटा मोटर्स, हीरो मोटो, निफ्टी, बैंक निफ्टी जरूर बाय कर लीजिएगा, क्योंकि सीधा मार्केट फ्राइडे को खुलेगा, थर्सडे को छुट्टी है फिर से, और मुझे फ्राइडे को बहुत ज़्यादा तेजी लग रही है। तो जो भी हो फिलहाल आप ये करिएगा, कल कोई ट्रेड मत करिएगा। आज अगर मार्केट तेज बंद होता है तो आप अपनी पोजिशन आज काट लीजिएगा जो ट्रेडर्स है, और जो पोजिशनली प्ले करते हैं उनको कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना है। और धनतेरस में आप आज शाम को 5:30 बजे के बाद से लेकर 8 बजे तक हो सके तो चांदी की खरीदारी करिए, और हो सके तो चांदी का ग्लास जरूर लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का। और पूरे साल मैं चाहता हूँ कि आप उसी ग्लास में पानी पिए जब भी हो सके। सपोज आप ऑफिस जाते हैं तो उसको तो लेके नहीं जा सकते, लेकिन जब भी घर पे रहे तो चांदी के ग्लास में पानी पीजिए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। मैं ज़्यादा इस तरह के ये जो तंत्र मंत्र वाले उपाय कभी नहीं बताता हूँ। जो लोग बोलते हैं ये ऐसा कर लो, इसमें पूजा करके उसको पॉकेट में रख लो और उसको अलमारी में रख दो, ये सबसे कुछ नहीं होता। एक्चुअली चांदी में ऐसी चीज़ है कि वो बैक्टीरिया को ख़त्म करता है और पॉजिटिविटी लाता है वाटर में भी। तो आप चांदी के ग्लास में पानी पीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जब भी आप नॉर्मली आज से भी पी सकते हो और हमेशा भी ये आजमा सकते हो, मगर अच्छी क्वालिटी का चांदी का ग्लास लीजिए। और जो सक्षम है और जिनकी कुंडली में गुरु अच्छा है वो गोल्ड भी बाई कर सकते हैं 5:30 बजे के बाद आज। और जिनकी कुंडली में गुरु अच्छा है, और गुरु अगर या तो नीच का बैठा है या खराब अवस्था में, तो उनको मैं नहीं बोलूँगा कि गोल्ड बाई करिए, उसकी जगह आप चांदी बाई करिए। तो ये मेरा व्यू है और ये आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है। तो आज आप देख लीजिए, ट्रेडर्स लोग के लिए मैंने बता ही दिया क्या करना है। और एक स्टॉक है मदर्स एंड सुमी, अगर डिलीवरी में आप लेते हो तो 170 के भाव चल रहे हैं, तो वो मुझे अच्छा लग रहा है स्टॉक, तो वो भी बाई कर सकता है कोई डिलीवरी में। और एक L&T फाइनेंस जो 135 के आसपास चल रहा है डिलीवरी बेस, वो भी बाई कर सकता है कोई भी। ये दोनों स्टॉक मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं आगे के लिए, लेकिन ये डिलीवरी बेस ट्रेडर्स के लिए नहीं है। ट्रेडर्स हो तो आप कॉल वॉल बाई कर सकते हो, लेकिन दूर के दिसंबर के, तो वो उनमें लिक्विडिटी शायद मिलेगी नहीं आपको, तो आप ध्यान से करिएगा। सो थैंक्स अ लॉट, ये मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए।